नवी मुंबई में कांग्रेस अपने दम पर लड़ेगी महानगर पालिका चुनाव। आरिफ नसीम खान बोले 111 सीटों पर तलाशेंगे प्रत्याशी। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी के प्रमुख घटक दल कांग्रेस ने अब अपने दम पर नवी मुंबई मनपा चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। आज कांग्रेस भवन वासी में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवी मुंबई के कांग्रेस प्रभारी आरिफ नसीम खान ने कहा कि नए प्रांताध्यक्ष नाना पटोले और आला कमान के निर्देश पर कांग्रेस नवी मुंबई में अपना अस्तित्व और ताकत देखना चाहती है। उन्होंने कहा कि फिलहाल मनपा चुनाव से पहले ये तय नहीं हुआ है कि किस पार्टी के साथ जाना है, लेकिन हमारा लक्ष्य मनपा की सभी 111 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की खोज करते हुए यह आकलन करना है कि आखिर कांग्रेस किस वार्ड में कितनी मजबूत है। जाहिर है कांग्रेस की यह कवायद मनपा चुनाव से पहले महाविकास आघाड़ी के बिखरने का संकेत देती है। आइए सुनाते हैं कांग्रेस नेता आरिफ नसीम खान ने और क्या कुछ कहा। हम सबकी इच्छा है कि जैसे मैंने पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी एक नंबर की पार्टी यहां पर बने और सबसे ज्यादा उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के चुन के जाए महानगर पालिका में, ये प्रयास ये कोशिश कांग्रेस पार्टी की रहेगी। फिलहाल कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है कि किसके साथ जाएंगे या किसके साथ नहीं जाएंगे। अभी फिलहाल एक ही प्लानिंग है, ओनली वन एजेंडा। कांग्रेस पार्टी को पूरे 111 वार्ड में कांग्रेस को एक नंबर की पार्टी बनाकर हम लोग खड़ा करें और जनता का समर्थन लें, ये कोशिश और ये प्रयास हम सब लोगों का रहेगा। बताना जरूरी है कि नई मुंबई में कभी 38 नगर सेवकों वाली कांग्रेस वर्तमान में मात्र 7 पर सिमट गई है। फिलहाल संगठन और जनाधार के लिहाज से नई मुंबई में कांग्रेस की हालत बेहद पतली है। ऐसे में 111 वार्डों में योग्य प्रत्याशियों की खोज एक बड़ी चुनौती है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के पास वर्तमान में 25 सीट के लिए भी योग्य उम्मीदवार नहीं है। ऐसे में सत्तारूढ़ शिवसेना एनसीपी और बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का अकेले चुनाव लड़ना बेहद चुनौती भरा होगा। हालांकि देखना होगा कि कांग्रेस इस चुनौती को कैसे पार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।